लड़ाई में तो बीजेपी, लेकिन दावा भी बहुत बड़बड़ कर रही है। बीजेपी के नेता और बौखला गए हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं, ये दिखाता है उनकी घबराहट प्रियंका जी के आगमन से। कांग्रेसजनों में तो उत्साह है ही, प्रदेश भी उत्तर प्रदेश एक देख रहा है कि एक मजबूत विकल्प बन के कांग्रेस उभरेगी। और जो यहाँ इस प्रदेश की दुर्दशा हुई है, खासतौर से पिछले 5 वर्षों में, जहाँ केंद्र सरकार भाजपा की रही और प्रदेश सरकार भी भाजपा की है, कुछ भी योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। किसान त्रस्त है, वादे बड़े किए गए, घोषणाएं बड़ी की और नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं। तमाम और समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था की, और मुख्यमंत्री के घर में ही बच्चों के इतना बड़ा वहां कांड हुआ है कि उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कोई अपने आप में यहां समझते हैं कि ये सरकार भाजपा की फेल है, और प्रियंका जी आई हैं, आप देखिएगा एक नई आशा की किरण है, और आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस का कितना अच्छा प्रदर्शन है। सर, गठबंधन के बारे में बताइए, गठबंधन बोल रहा है कि अब तो सभी को मात, बड़ी बड़ी मात देंगे प्रियंका, ये तो गठबंधन को तक रहा है। ऐसा है, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये लड़ाई दिल्ली की लड़ाई है, केंद्र सरकार की लड़ाई है, और कांग्रेस अपने विजन, अपने काम, अपनी शैली और भारत के पूरे इंटरेस्ट को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के पूरे इंटरेस्ट को देखते हुए काम करेगी और पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी और भाजपा को परास्त करेगी।